तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। आप भी सिगरेट पीते हैं तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं तो बीड़ी पीता हूँ। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो, हवा ही देगा रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। हेलो। अरे भाभी जी, मैं परेशान आ गया हूँ अपनी बीवी से, क्या करूँ आप ही बताओ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं आप ही की सोसाइटी में रहता हूँ, पर मैं अपनी बीवी से इतना परेशान आ गया हूँ ना। अरे क्या हुआ भाई साहब? यार भाभी जी देखो, अगर बात नहीं मानो, लड़ाई हुई समझ आता है, अगर बीवी की बात मान ली उसके बाद भी लड़ाई हो रही है तो क्या करे आदमी। अरे तो ऐसा क्या कह दिया? अरे बीवी ने मेरी बोला कि तुम देखो सामने पड़ोसी को, कैसे जब भी वो घर से बाहर निकलता है हमेशा अपनी बीवी को किस करके जाता है, तुम तो करते नहीं। हाँ जी, फिर मैंने जाके किस कर दिया पड़ोसी की बीवी को। अरे कुछ भी सही लगता है, ज्यादा ही समझने लगे हैं चीजें। तुम पागल थी और पागल हो, पागल सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें गुस्से में पागल कह दिया। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। अयोध्या आपको, हम सभी को ममता दीदी जी की ये बातें जरूर सुननी चाहिए, इससे क्या होगा, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर हमने इनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। सुनिए ममता दीदी ने क्या कहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा बम्बा 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 बम्बा।